यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपीएससी के प्रीलिम्स को 2022 जो 5th ऑफ जून को होने वाला है उसमें लगभग 100 दिन ही बचे हैं आप सभी लोगों के लिए। सबसे प्रायोरिटी की बात हमारे लिए ये है कि इन 100 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारी ये प्रीलिम्स क्रैक हो जाए और मेंस एग्जामिनेशन देने का हमें मौका मिले। इस साल की 100 दिन की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स क्रैक करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन हम आपके लिए एक इनिशिएटिव के तौर पर लेके आए हैं, विच इज प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम पीजीपी 2022। इस प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम में सबसे खास बात आपकी ये रहने वाली है कि इस प्रोग्राम में हम आप लोगों से 4000 एमसीक्यूज सॉल्व करवाएंगे और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इन 4000 एमसीक्यूज में से आपके 60+ क्वेश्चन यूपीएससी के 2022 के प्रीलिम्स में आएंगे और आपका जो मिनिमम स्कोर है जो हम टारगेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं 130+ का। अब ये जो प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम है इसमें हम सिर्फ आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाएंगे सब्जेक्ट या मॉड्यूल के, लेकिन जिन सब्जेक्ट या मॉड्यूल्स के हम आपसे एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे उन सब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स को आपको डिटेल्ड में पढ़ाया भी जाएगा और जो टेस्ट या एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे उनके आपको डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोस जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको यहां पर कुछ चीजें नोटिस करने की जरूरत है कि अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के कट ऑफ के बारे में तो पिछले कुछ सालों में अगर आप यूपीएससी का बेसिकली कट ऑफ यहां पर देखते हैं तो वो ऑन एन एवरेज 100 के आसपास का जाता है। अगर आप लोग 2017 से पहले के क्वेश्चन देखते हैं तो वो थोड़े इजी आते थे जहां पर चार ऑप्शंस होते थे, यूपीएससी आपको बहुत ज्यादा हिंट देता था कि आप उन सवालों को हल कर लें। लेकिन अगर यहां पर आप चेंज पैटर्न को देखें और यूपीएससी की साइकोलॉजी और मेंटालिटी को जज करने की कोशिश करें तो 2017 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस से नहीं पूछे जा रहे हैं, रिसोर्सेस में वैरायटी आ चुकी है और उनके क्वेश्चंस और ऑप्शंस में भी बहुत ज्यादा वैरायटी आ चुकी है। आज की डेट में अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं तो दो ऑप्शंस तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेते हैं लेकिन एंड के जो दो ऑप्शंस बचते हैं उसमें ही कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। 100 जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहता है, जैसे यूपीएससी का पिछला कट ऑफ जिसके बारे में हमें जानकारी है, जो हमें पता है कि 92 के आसपास गया है, यूपीएससी में हर साल प्रीलिम्स में सिर्फ 3% लोग ही प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं। अगर 5 लाख 4 लाख के आसपास एग्जाम दे रहे हैं तो 12,000 के आसपास के स्टूडेंट्स ही प्रीलिम्स क्रैक करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 97% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 90 से भी कम मार्क्स लेकर आते हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि आप उन 3% में आ जाएं, 130+ स्कोर करें और उन 97% में ना आए जिनका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है, उन्हीं के लिए ये प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम 2022 हम लोग ने लॉन्च किया है। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें बेसिकली आपके 4000 एमसीक्यूज तो आपके सॉल्व करवाए जाएंगे लेकिन डिटेल में आपकी 350+ आवर्स की क्लासेस भी यहां पर लगेगी। टोटल 4 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा और जब हम आपकी 350 आवर्स की क्लास की बात करते हैं तो इसमें जनरल स्टडी, करंट अफेयर्स और सी सेट सारी की सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे। अब इस मॉड्यूल की डिटेलिंग में जाने से पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से यहां पर बेसिकली क्वेश्चन को फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है और यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे 4000 एमसीक्यूज जो हैं वो यूपीएससी के लेवल को किस तरीके से मैच करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें बेसिकली मिताक्षरा के बारे में पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है कि मिताक्षरा के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो मिताक्षरा के बारे में हम अपने एनसीईआरटी या फिर जो रेफरेंस बुक है उसमें हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन क्या इस डिटेलिंग में हमें यहां पर ऑप्शंस दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको ये कौन सी रेफरेंस बुक्स या कौन सी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा मिताक्षरा के बारे में ये डिटेल, जहां पे मिताक्षरा के सिविल लॉ या फिर उनके अपर कास्ट लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनके मेल या फीमेल मेंबर्स में जो बेसिकली प्रॉपर्टी का डिमार्केशन होता था या फिर उनके जो मेंबर्स हैं फैमिली के मेल मेंबर्स उनकी सोशल रिकॉग्निशन के बारे में बात की जाती थी, ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में नहीं मिल सकती। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको डिटेल्ड सोर्सेस को लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं पॉलिटी का एक क्वेश्चन लेते हैं तो पॉलिटी में जितने भी आपके क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से ही आते हैं? क्या आपने उसके लिए डीडी बसु पढ़ी? क्या आपने उसके लिए एआरसी रिपोर्ट पढ़ी? क्या आपने लिए उसके लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या पार्लियामेंट के जो गैजेट्स हैं वो पढ़े?
करंट अफेयर में सिर्फ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कुछ नहीं होता, क्या उसके लिए आपने योजना, कुरुक्षेत्र, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट वेबसाइट, योजना, कुरुक्षेत्र, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम संसद टीवी के नाम से जानते हैं, क्या उन रिसोर्सेस को पढ़ा? नहीं, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है किसी भी एक पर्सन के लिए इतनी सारी चीजों को एक साथ कवर करना। लेकिन इसी इम्प्रैक्टिकल चीज को हम पॉसिबल बनाएंगे इस प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम में, क्योंकि हम अपने 4000 एमसीक्यूज जब आपसे सॉल्व करवाएंगे उसमें आपकी 130 प्लस की गारंटी हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके वो एमसीक्यूज आपके यूपीएससी के लेवल के रहेंगे। अब वो एमसीक्यू यूपीएससी के लेवल के हैं इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि हमारे जो 4000 एमसीक्यूज हैं इन एमसीक्यूज को हमने खुद 2017 से लेकर 2020 तक के जो पिछले 4 साल के यूपीएससी टॉपर्स रहे हैं उनसे सॉल्व करवाए हैं, और यूपीएससी के टॉपर्स ने हमारे इन एमसीक्यूज के टेस्ट में मैक्सिमम 90 तक ही स्कोर किया है, यानी 100 का जो बेंचमार्क होता है कट ऑफ का उसे वो कवर नहीं कर पाए हैं, यानी कि हमारे एमसीक्यू का लेवल यूपीएससी का लेवल का है क्योंकि यूपीएससी के टॉपर्स भी उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन एमसीक्यूज में हमारी क्लासेस के बाद आप 110 के आसपास भी स्कोर करते हैं तो ऑब्वियसली यूपीएससी में आपको 130 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हम आपसे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स या मॉडल्स का एमसीक्यू हम आपसे सॉल्व करवाएंगे उनकी पहले पढ़ाई करवाई जाएगी आपको। वी विल टीच यू दो सब्जेक्ट्स उन्हीं एमसीक्यू के लेवल पे, और वो टफ कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कहानी वहां खत्म नहीं होगी। उन एमसीक्यू का जो डिटेल डिस्कशन है वो आपके सामने प्रोवाइड करवाया जाएगा 3 से 4 घंटे पर टेस्ट का, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका सही जवाब सही क्यों है, गलत जवाब गलत क्यों है, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी, कंसेप्ट, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, सारी की सारी चीजें उस डिस्कशन वीडियो में आपकी कवर करवाई जाएंगी। तो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू एंड उसका डिटेल डिस्कशन, जब इन तीनों कॉम्बिनेशन को हम एक तरफ रखते हैं वो कहलाएगा हमारा प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम, जो आपको 130 प्लस स्कोर करके देगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसी टेस्ट को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब ये तो दो क्वेश्चन आपने देखे ही, अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखिए। ये जो ऊपर के दो क्वेश्चन थे वो 2019 और 20 के क्वेश्चन थे, यहां पर आप 2019 का एक और यूपीएससी का क्वेश्चन देख सकते हैं जहां पर सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के बारे में पूछा गया, किससे रिलेटेड है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरोजनी नायडू। अब इस तरीके के जो डेप्थ के क्वेश्चन है वो आपको कौन सी एनसीईआरटी या कौन सी प्रेफरेंस बुक में या रेफरेंस बुक में मिलेंगे, उसके लिए आपको चाहिए बियॉन्ड द कैपेसिटी के रिसोर्सेस, बियॉन्ड द कैपेसिटी के एमसीक्यूज, जो हम आपके लिए यहां पर लेकर आएंगे। अब मैं आपको अपने प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम के कुछ वो क्वेश्चंस दिखाता हूं कि जिससे हम लोगों ने यूपीएससी के लेवल को यहां पर मैच किया है। जैसे कि यहां पर एक आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर अ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू हिंदी लैंग्वेज एंड द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नरेन रहजादा। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या लक्ष्मीकांत की बुक में या आपकी एनसीईआरटी में उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी ट्रांसलेशन की बात की गई है, या फिर वो हिंदी ट्रांसलेशन का वर्जन अडॉप्ट किया गया था या नहीं किया गया था इसकी बात की गई है, या फिर वो हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया था इसकी बात की गई है? नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो यूपीएससी के लेवल पे आपको ले जा सके। एक और मैं अपना टेस्ट सीरीज का एमसीक्यू का यहां पर आपको एक और दिखाना चाहूंगा एग्जांपल जो यूपीएससी के लेवल को मैच करता है। यहां पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नेवर सेंट एनी मैसेज टू पार्लियामेंट नॉर एड्रेस इट on any occasion other than after each general election and at the opening of the first session of each year. हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं और प्रेसिडेंट साल में 2 बार पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं। जब नया जनरल इलेक्शन होता है और पहली लोकसभा की मीटिंग होती है तो प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए आते हैं, प्लस जब वो साल के पहले सेशन में पार्लियामेंट में एंटर करते हैं जिसे हम समर सेशन या बजट सेशन कहते हैं, उसमें प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं। तो ये तो लक्ष्मीकांत में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ओकेजन के अलावा क्या कोई ऐसा ओकेजन रहा है जिसमें प्रेसिडेंट ने स्पीच दी है पार्लियामेंट में, क्या ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा? जी नहीं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स और रिसोर्सेस और एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2020 का एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखें जिसमें आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट को और वेस्टर्ली की विंड्स को कनेक्ट करके पूछा गया था क्वेश्चन कि उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली जो ड्राइनेस आती है वो क्यों आती है वेस्टर्न साइड की अगर आप बात करते हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक इंडिविजुअली तो आपको जीसी लियोंग में मिल जाएंगे, लेकिन क्या जीसी लियोंग या दूसरी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी में क्या इन तीनों को कनेक्ट करके कंसेप्ट बनाए गए हैं? नहीं, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस और एमसीक्यूज की। यहां पर हमारा मेन जो मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए वो ये रहेगा कि 60 प्लस क्वेश्चन आपके 4000 एमसीक्यू में से आने चाहिए और 130 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए प्रीलिम्स में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता या किसी का भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता उसके कौन से बड़े रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन जो हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी की प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पा रही है वो है रिमेंबर करने का। आप चीजें पढ़ते तो हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। चीजें आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चीजें आपको याद नहीं रह पाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीज जिसकी वजह से वो इशू क्रिएट होता है, दैट इज रिवीजन का। आपको पता है कि आपको रिवीजन करना है, लेकिन एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले कौन से टॉपिक का रिवीजन किया जाएगा, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, किसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो क्यों, कब, कैसे और कहां तक पढ़ना है, इस पैनिक सिचुएशन में आपका रिवीजन लैग कर जाता है और प्रीलिम्स आपका क्रैक नहीं हो पाता। तीसरा जो आपको मेन रीजन है वो ये है कि टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज जो आप यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले अटेम्प्ट करते हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी के होते हैं, तो इस वजह से आप यूपीएससी के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते और आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता। चौथी चीज जो हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो आपकी स्टडी है वो रेगुलर नहीं हो पाती या आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 100 दिन पहले शुरू के 3-4 दिन में आपका एंथुसियाज्म बहुत हाईएस्ट लेवल पे होता है, लेकिन उसके बाद आप अपना मोरल लूज डाउन कर देते हैं और वो चीज कवर अप नहीं हो पाती, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाता। इन चारों के चारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम में मिलेगा। एक सॉल्यूशन तो आपको यहीं पर मिल गया हमारे 4000 एमसीक्यू से जो यूपीएससी के लेवल के हैं, जो यूपीएससी के टॉपर ने खुद हमें रिटर्न में दिए हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बाकी की सॉल्यूशंस आपकी किस तरीके से सॉल्व होंगी, उसके लिए हमें अपने मॉड्यूल पर जाना पड़ेगा जिसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब ये जो हमारा प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम है ये आपका 5th of February 2022 से स्टार्ट होगा। ये जो प्रोग्राम है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और यहां पर मैं सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस क्लासेस होंगी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपसे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को उन एमसीक्यूज के जो मॉडल या सब्जेक्ट हैं वो पहले पढ़ाए भी जाएंगे विथ डिटेल स्टडी। तो हर सब्जेक्ट का जो आपका कोर सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, सीसैट, करंट अफेयर्स, सारी की सारी चीजें इसमें कवर करवाई जाएंगी। जो एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज हम आपसे सॉल्व करवाएंगे वो ऑल इंडिया लेवल पे रहेगी, यानी चहल एकेडमी की जितनी 24 ब्रांचेस हैं वहां पर वो लॉन्च की जाएगी। जो चहल एकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे भी ये प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाई जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे। आपको अपनी रैंक और अपने मार्क्स पता चलेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश जरूरत है। सीसैट को कई लोग इग्नोर कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीएस का स्कोर तो अच्छा चला जाता है लेकिन सीसेट कभी क्लियर नहीं हो पाता। ये गलती हम आपको नहीं करने देंगे और सीसेट में भी हम एक्सक्लूसिवली आपकी क्लासेस लेंगे और जिस तरीके से जीएस और करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली पढ़ाया जाएगा और टेस्ट दिलवाए जाएंगे, सीसेट के भी आपके यहाँ पर टेस्ट दिलवाए जाएंगे। जहां तक बात रही करंट अफेयर्स की, जितना फोकस हम जीएस पर करेंगे उतना ही फोकस हम करंट अफेयर्स पर करेंगे। एक्सक्लूसिव आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलवाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके यूपीएससी में 50 जो क्वेश्चन है वो करीबन स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन आपके जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके साथ आपके करंट अफेयर्स के आते हैं और बाकी बचे जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं। तो यहां पर करंट अफेयर आपका 30 से 40 क्वेश्चन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है या उसमें इन्वॉल्व होता है। तो करंट अफेयर के भी डेली सेशन रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जो आपके लिए इस प्रोग्राम में रामबाण का काम करेगा वो ये है कि क्लासेस के बाद, टेस्ट के बाद डिटेल्ड डिस्कशन होगा वीडियो का, जो 3 से 4 घंटे पर टेस्ट का जाएगा।
आपका टेस्ट होने के बाद तुरंत वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आप इसकी गहराई समझते हैं तो टेस्ट डिस्कशन खुद में आपकी एक बहुत बड़ी क्लास रहेगी जिसमें आपके कंसेप्ट्स को क्लियर भी किया जाएगा। ये इस प्रोग्राम की मेन हाइलाइट्स हैं। अब कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के बताना चाहूंगा, देन डिटेल में हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए 4000 MCQs तो हम आपको सॉल्व करवाएंगे ही, टेस्ट डिस्कशन तो हम करवाएंगे ही, लेकिन आपकी क्लासेस में आपको 5000 से ज्यादा टॉपिक्स भी पढ़वाए जाएंगे। आपकी करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन होंगे, सीसेट के सेशन होंगे, आपको स्ट्रेटेजी गाइडेंस चीजें दी जाएंगी, प्लस वो रिसोर्सेज भी कवर किए जाएंगे जो रिसोर्सेज अक्सर कैंडिडेट छोड़ देते हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन बजट या फिर इंडिया ईयरबुक या फिर गवर्नमेंट स्कीम। तो सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको आपकी बैचेस की टाइमिंग और उसके मॉड्यूल और टाइम टेबल की तरफ लेके चलता हूं, एंड देन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। हमारी जो बैच टाइमिंग रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो इस बैचेस में ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा इसमें आपको एक भी दिन का ऑफ नहीं मिलेगा, यानी आप एग्जाम से 3 महीने पहले तक पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहेंगे। तो एक जो एमसीक्यू वाला प्रॉब्लम था हमारे 4000 एमसीक्यू से सॉल्व होगा, दूसरा जो हमारा कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम था वो यहां से सॉल्व होगा क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। 5th February से जो आपका सेशन शुरू हो रहा है, इसमें पहली जो आपकी बैच रहेगी वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, दैट मींस 2 PM to 4:30 PM आपकी रहेगी, जिसमें आपको जनरल स्टडीज पढ़ाया जाएगा और करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा डेली 4:45 PM to 5:45 PM, यानी रेगुलर 2.5 घंटे की आपका जीएस का सेशन और 1 घंटे का आपका करंट अफेयर का सेशन रहेगा, राइट? अब मैं आपको इस मॉड्यूल के बेसिकली डिटेल्स की तरफ लेकर चलता हूं। कुछ चीजें हैं जो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि चहल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स रहे, 24 ब्रांचेस में जो चहल एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली ब्रांच के हो, मुंबई ब्रांच के हो, गुजरात ब्रांच के, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, चहल एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स जो 2022 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, ये प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, और दूसरा, चहल एकेडमी के वो स्टूडेंट जो 2022 का अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो चहल एकेडमी से अब तक नहीं जुड़े हैं, इस प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम का फायदा आप उठा सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या चहल एकेडमी दिल्ली ब्रांच या कोई भी ब्रांच डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको प्रोग्राम्स की थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा। यहां पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जरूरी हैं, उन सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस और अलग अलग सेशन और आर्स यहां पर डिवाइड किए गए हैं। जैसे पॉलिटी के आपके टोटल 10 सेशन होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपकी जीएस की क्लासेस चलेंगी, तो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जीएस में पॉलिटी की आपकी टोटल 10 क्लासेस चलेंगी और 25 घंटे से ज्यादा टाइम आपका इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी के 20 घंटे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी, एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया ईयरबुक और गवर्नमेंट स्कीम को भी यहां पर हमने 5 घंटे का टाइम दिया है। करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस चल रही हैं आपकी, जिसमें आपको 50 घंटे से ज्यादा टाइम दिया जाएगा और 1 साल का पूरा 1 ईयर करंट अफेयर आपका यहां पर कवर करवाया जाएगा, जिसमें 2021 और 22 के करंट अफेयर्स रहेंगे। प्लस सीसेट को भी हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया है, 40 घंटे से ज्यादा सीसेट पढ़ाया जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका यहां पर टेस्ट डिस्कशन होने वाला है, उसमें आपके 150 घंटों से ज्यादा आपका टेस्ट डिस्कशन होगा, यानी ऑन एन एवरेज देखें तो पूरा ये कोर्स आपको 365 घंटे से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। अब हम लोग इसके डिटेल्ड मॉड्यूल और टाइम टेबल पर चलते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स आपको 130 प्लस की गारंटी दे रहा है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, 5th February से हमारा सेशन शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड सेशन हमारा 5th और 2nd February को होगा, यानी 5th और 2nd February को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपकी जीएस की क्लासेस चलेंगी और 4:45 PM to 5:45 PM, यानी 5:45 से लेकर 6:30 तक आपकी करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी। यानी ये 5th और 6th February को आपको ये 2 दिन पढ़ाया जाएगा, और तीसरे दिन जो हमने आपको पढ़ाया है
उसी का टेस्ट लिया जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि तीसरे दिन आपका टेस्ट किसका लिया जाएगा, पॉलिटी वन का। यहां पर आप देख सकते हैं 7th of February टेस्ट वन सेशन थ्री पॉलिटी वन का टेस्ट। अब ये पॉलिटी वन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। तो पॉलिटी के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहां पर, those are gonna be historical constitution development, preamble, union territory, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, basic structure of the constitution, emergency provision, judiciary में हम high court, supreme court, constitutional bodies, सारी की सारी cover करेंगे। यहाँ पर जो resources हम लोग देखेंगे, ठीक, resources जो GS के लिए देखेंगे, वो आपके रहेंगे Indian Constitution at Work, NCRT, लक्ष्मीकांत प्लस आपकी सेकेंड ARC रिपोर्ट, या फिर आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपके जो गैजेट्स होते हैं, इसके अलावा DD बासु भी। अब यही इसी दो सेशन में GF के अलावा आपको करंट अफेयर भी यहां पर पढ़ाया जाएगा, और करंट अफेयर हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे 1 May से लेकर 15 May 2021 से, क्योंकि सर पिछले एक साल का करंट अफेयर हमें पढ़ना है ना, 2022 की एग्जाम दे रहे हैं तो 2021 से हमें करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो हर दो सेशन में आपके 15 दिन के करंट अफेयर कवर करवाए जाएंगे। तो आपके फर्स्ट और सेकेंड सेशन में आपको पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाया गया, और थर्ड सेशन में आपका यहां पर उसी का टेस्ट लिया जाएगा, एंड टेस्ट जैसे ही होगा आपको वो डिस्कशन वीडियो जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। अब यहां पर पॉलिटी वन का क्या मतलब है, हमने यहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर हमने पॉलिटी जैसे आपको एक ही बार में 10 या 15 दिन में पॉलिटी आपकी खत्म कर दी, सारे टेस्ट ले लिए, तो ये तो आपकी एग्जाम से 4 महीने पहले की कहानी हो गई ना। तो 4 महीने बाद तो पॉलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स आपने याद किए हैं, जो टेस्ट दिए हैं, वो आप भूल जाएंगे, यानी पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से धुंधले पड़ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है कि पॉलिटी का एक मॉड्यूल हम पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के मॉड्यूल पे जाएंगे, फिर हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर इकोनॉमी, फिर एनवायरमेंट, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन फिर इसके सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट होंगे, पॉलिटी 2, ज्योग्राफी 2, इकोनॉमी 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2। क्यों? ताकि आपका पीरियोडिक रिवीजन होता रहे, आप एक बार पढ़ के उसे भूल ना जाएं, कंटिन्यूअसली वो सब्जेक्ट, वो करंट अफेयर, वो सीसेट, वो जीएस के मॉड्यूल्स आपके टच में रहें, तो आपका जो रिवीजन का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। यानी 5th of February से लेकर 23rd of May तक जो आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम है, उसमें कंटिन्यूअसली आप अपने रिविजन को ही करते रहेंगे। अब अगर हम लोग पॉलिटी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फिर से हम लोग ये अपना टाइम टेबल 8th और 9th of February के लिए रिपीट करेंगे, और 10th of February को आपका सेकंड टेस्ट होगा, लेकिन इस बार हम ज्योग्राफी के मॉड्यूल 1 को लेकर आएंगे, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, नेचुरल हजार्ड्स, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कवर करेंगे। पिछले मॉड्यूल में, पिछले सेशन में हमने 1st to 15th May करंट अफेयर कवर किया था, और इस बार हम लोगों ने 16th से लेकर 31st of May का जो करंट अफेयर है वो कवर किया है, क्योंकि 15-15 दिन में आपके मॉड्यूल जब कंप्लीट होते जाएंगे 15-15 दिन के करंट अफेयर के, तो आपके करंट अफेयर 23rd of May तक अगर आप देखेंगे तो विथ टेस्ट एक साल का करंट अफेयर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप ज्योग्राफी से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वील कम टू एंशियंट इंडिया। यहां पर जून के करंट अफेयर में 1st to 15th May हम लोग आ जाएंगे, एंशियंट इंडिया के सेम सेशन होंगे, 2 से 4:30 के करंट अफेयर का 1 घंटे का सेशन होगा, 4:45 से 5:45, 2 दिन ये चलेगा, तीसरे दिन टेस्ट होगा, देन आपको डिस्कशन यहां पर दिया जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट वन, यहां पर मैं स्क्रोल करता जाऊंगा, आप यहां पर टॉपिक और हमारे रिसोर्सेज देख सकते हैं और करंट अफेयर देख सकते हैं। एनवायरमेंट का फर्स्ट मॉड्यूल होने के बाद वी विल कम टू इकोनॉमी का फर्स्ट मॉड्यूल, देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी के सेकंड मॉड्यूल पे। यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटी का जो सेकंड मॉड्यूल है आपका 20th और 21st of Feb को फिर से स्टार्ट हो गया। तो पॉलिटी वन के मॉड्यूल में जो टॉपिक कवर नहीं हुए थे वो पॉलिटी टू के मॉड्यूल में कवर होंगे, फिर पॉलिटी 3, पॉलिटी 4, ऐसे करके हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 मॉड्यूल आपके आएंगे, ताकि आपका पीरियोडिक रिविजन जो है वो हो सके। तो आपके एमसीक्यू की प्रॉब्लम हमारे 4000 एमसीक्यू से सॉल्व होगी, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम इस बात से सॉल्व होगा कि यहां पर आपको रेगुलर क्लासेस लगानी है, एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते। तीसरी जो प्रॉब्लम थी रिवीजन की, वो इससे सॉल्व होगी कि पीरियोडिक रिवीजन आपका मॉड्यूल का होगा, और याद करने की आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस इकोसिस्टम में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगी। कंसिस्टेंसी की जो बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर इसलिए है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने
एक भी क्लास, एक भी टेस्ट या एक भी डिस्कशन मिस किया, हम उसे इस प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि शुरू के एक महीने में तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं, लेकिन एक महीने बाद के बाद वो कभी टेस्ट मिस करते हैं, कभी क्लास मिस करते हैं, कभी डिस्कशन मिस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। एंड में हो सकता है कि हमारे पास 20 बच्चे बचे, लेकिन वो जो 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट 3-4 महीने हमारे साथ इस प्रोग्राम में सर्वाइव कर गए, वी गिव यू द गारंटी दैट दोज स्टूडेंट्स will be scoring 130 plus in their UPSC 2022 prelims examination, and I hope and I know कि आप यहां पर 20 नहीं 100, 500 या 1000 बच्चों तक सर्वाइव करेंगे, because अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से यहां पर 3 महीने में झोंक देंगे, we very well know that। अब अगर इसी चीज को हम लोग आगे लेकर चलते हैं पॉलिटी 2 के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हैं मिडिवल इंडिया पे हम लोग आ गए। मिडिवल इंडिया के बाद हम लोग ज्योग्राफी के सेकंड मॉड्यूल पे आ गए। ज्योग्राफी के सेकंड मॉड्यूल के बाद वी कम टू द आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1 मॉड्यूल 1 में आते हैं। उसके बाद यहां पर ज्योग्राफी 3 आपका मार्च में शुरू हो जाता है। ज्योग्राफी 3 के बाद आप देख सकते हैं कि पॉलिटी का थर्ड मॉड्यूल आपके सामने आ गया। देन आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेकंड मॉड्यूल देख रहे हैं। देन इसके बाद आप पॉलिटी का फोर्थ मॉड्यूल देख सकते हैं। पॉलिटी के बाद आपको एनवायरमेंट का सेकंड मॉड्यूल, इकोनॉमी का सेकंड मॉड्यूल देखने को मिलेगा। करंट अफेयर यहां पर आपके 15-15 दिन के कवर होते जा रहे हैं, लेकिन 15 दिन के करंट अफेयर जब आपके कवर होंगे तो सिर्फ 15 दिन के करंट अफेयर का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जिस दिन हमने आपको 2 महीने के करंट अफेयर पढ़ा दिए, उसके बाद 2 महीने के करंट अफेयर का टेस्ट फिर से लिया जाएगा, ताकि यहां पर आपका पीरियोडिक रिविजन हो सके। 15 दिन के करंट अफेयर पढ़ाएंगे उसका टेस्ट होगा, 1 महीने के करंट अफेयर पढ़ाएंगे 1 महीने का टेस्ट होगा, 3 महीने 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे उनका टेस्ट होगा, देन फिर 1 साल के करंट अफेयर का पूरा टेस्ट होगा। तो हर सब्जेक्ट, हर मॉड्यूल, हर करंट अफेयर जो आपको इंडिविजुअली पढ़ाए जा रहे हैं या टेस्ट लिए जा रहे हैं, इनके आपके कंपाइल्ड वर्जन में भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपकी फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन और पीरियोडिक रिविजन होता रहे। अब अगर यहां पर देखते हैं आप, जैसे ही हमारी यहां पर पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं 27th ऑफ मार्च को हम लोग आपका पॉलिटी का फुल टेस्ट ले रहे हैं। 30th ऑफ मार्च तक जब आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हिस्ट्री के आपने इंडिविजुअल टेस्ट दे दिए, तो यहां पर आपका हिस्ट्री का फुल टेस्ट लिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप नोटिस करते हैं तो 2nd of April पे अगर हम लोग आते हैं तो ज्योग्राफी का आपका यहां पर फुल टेस्ट लिया जाएगा, देन एनवायरमेंट का आपका फुल टेस्ट लिया जाएगा, इकोनॉमी का आपका यहां पर फुल टेस्ट लिया जाएगा, देन उसके बाद हम लोग यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे 11th of April से, जिसमें आपके बेसिक साइंस एंड करंट अफेयर्स कंटिन्यू रहेंगे, आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेंगे। 17th of April को अगर आप यहां पर टाइम टेबल में देखते हैं तो हमने इंडिया ईयर बुक और गवर्नमेंट स्कीम जो आपको करंट अफेयर में पढ़ाई है उसका भी टेस्ट होगा। ये बात रही जीएस के और करंट अफेयर के मॉड्यूल को पढ़ाने की, इंडिविजुअल मॉड्यूल के टेस्ट लेने की, पीरियोडिक रिविजन करवाने की और होल सब्जेक्ट के टेस्ट लेने की। इसके बाद 18th ऑफ अप्रैल से हम लोग अपने सीसेट के सेशन में आ जाएंगे। यहां पर आपको सीसेट के अपने सेशन दिख रहे होंगे 18th ऑफ अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें सीसेट सेशन 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहां पर फिर सीसेट की चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि सीसेट को हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। टोटल आपके 15 सेशन लिए जाएंगे सीसेट के, एंड देन फिर आपके यहां पर जीएस के पूरे पूरे टेस्ट होने लगेंगे। हमने सर देखिए, नो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पीरियोडिक रिविजन, कंसिस्टेंसीज, एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पहले मॉड्यूल के पढ़ाए, मॉड्यूल का टेस्ट लिया, फुल सब्जेक्ट पढ़ाया, फुल सब्जेक्ट टेस्ट लिया। जब आपका जीएस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके पूरे जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ आएंगे। तो ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप इस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये चीज आपको 130 प्लस स्कोर करने से नहीं रोक सकती। जब आपका सीसेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके सीसेट के फुल टेस्ट लेने शुरू कर देंगे, और जीएस और सीसेट के भी इंक्लूडिंग यहां पर टेस्ट लेने शुरू कर देंगे, जो आप 4th of May एंड यहां पर आप 13th, 18th May को भी देख सकते हैं। तो जब जीएस, सीसेट, करंट अफेयर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आप 130 प्लस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जिनको पॉलिश करना जरूरी होता है, जो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक एज देता है। वो एज मिलता है आपके गाइडेंस सीरीज से। कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो भी हम आपको आपके एग्जाम से पहले 19th of May और 20th of May को बताएंगे, एंड देन फाइनल जिस दिन आएगा आपका
23rd of May, उस दिन फिर आपके फाइनल दो टेस्ट लिए जाएंगे जीएस और सीसेट के फुल सिलेबस के। तो इस पूरे मॉड्यूल को आप समझिए, आपकी एमसीक्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्योंकि 4000 एमसीक्यू हमने यूपीएससी के टॉपर से सॉल्व करवाए हैं और वो यूपीएससी के लेवल के हैं। आपके रिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि यहां पर आपका पीरियोडिक रिवीजन हो रहा है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जिस डिटेलिंग में हम लोग आपसे पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुस चुका होगा। यानी कि पीरियोडिक रिवीजन के साथ याद करने की जो चीजें हैं वो भी आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देंगी, और कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम तो यहां पर आ ही नहीं सकती है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है 2022 के प्रीलिम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी कम से कम आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी होनी चाहिए, थोड़े बहुत बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपके लिए ये प्रोग्राम बेनिफिशियल रहेगा। और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपका बेसिक्स तो यहां पर क्लियर ऑलरेडी हो ही चुका होगा। तो जब आपका रिविजन हो रहा है, एमसीक्यू आपके हाइएस्ट लेवल के हैं, कंसिस्टेंसी में आपकी पढ़ाई हो रही है, डिटेल में आपको सारी चीजें दी जा रही हैं, टेस्ट के डिस्कशंस हो रहे हैं, सॉल्यूशंस हो रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज बाकी रह गई है कि आपके 60 से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आप अटेम्प्ट ना कर पाए और आपको 130 प्लस स्कोर ना मिले? ऐसी कोई भी चीज बाकी नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके 130 प्लस नहीं आते तो सर प्रॉब्लम आप में हम में नहीं, फिर प्रॉब्लम यूपीएससी में ही है। लेकिन ऐसा होगा बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डेडिकेटेड रहेंगे और आप कंसिस्टेंट रहेंगे। हम अपनी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आपकी तरफ दिखाएंगे और आप अपना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी हमारी तरफ दिखाएंगे। जब ये म्यूचुअल रिलेशनशिप इस प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम में कंटिन्यू रहेगा 100 दिनों तक, आपको कोई भी 130 प्लस स्कोर करने से नहीं रोक सकता। आई गिव यू माय गारंटी, राइट? अब यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को स्पेशल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल या सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो हर एक फैकल्टी अपने सब्जेक्ट पे जिस पे वो एक्सपर्ट है, वो हर एक फैकल्टी आपको अलग अलग मॉड्यूल पढ़ाएगी। जैसे कि मैं अनुभव दीपानी, इसके अलावा सुमित त्यागी सर, अश्विनी सर, आकाश सर, सुमित शर्मा सर, संदीप सर, धनंजय सर, ये सारी की सारी फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट की एक्सपर्ट है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी और आपके टेस्ट डिस्कशंस में भी ये पूरी की पूरी इन्वॉल्व रहेगी। सीसेट के लिए वी वुड बी हैविंग द डिफरेंट फैकल्टी, करंट अफेयर्स के लिए वी हैव आकाश सर एंड अदर फैकल्टी, और टेस्ट के डिस्कशन और गाइडेंस सीरीज में भी ये पूरे की पूरी जो फैकल्टी है आप लोगों के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेगी। आपसे सिर्फ दो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी फॉर दीज 100 डेज। एंड आई गिव यू माई अश्योरेंस कि जिस दिन आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम देके आएंगे, आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। आप एग्जाम देकर आएंगे दोपहर को 4:30 बजे और अगले दिन से आपकी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीलिम्स गारंटीड प्रोग्राम आपको 130 प्लस स्कोर करके ही देगा। दिस वॉज आर strategy of prelims guaranteed program. I hope to see you soon, very soon, in our prelims guaranteed program in Chahal Academy. Thank you very much. See you soon.